वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की परीक्षाओं के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। यह 10वां सेट है। इससे पहले मैंने 9 सेट अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने अब तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो एक एक करके उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी यदि आप चाहते हैं कि ये सब इंग्लिश में या दुनिया के किसी भी और लैंग्वेज में पढ़ना, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके ये सब पढ़ सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि प्रतिबल का मात्रक निम्नलिखित में से है। तो प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। निम्नलिखित में अदिश राशि है, तो इसमें दाब अदिश राशि है। अदिश राशि दाब, ताप, समय, द्रव्यमान, कार्य, ये सभी अदिश राशि हैं। और सदिश राशि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, भार, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, घनत्व, बल, आघूर्ण, कोणीय वेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। किसी तार की लंबाई खींचकर यदि दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध, तो यदि किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में Na पाई जाती है। Na को केरोसिन तेल में रखा जाता है। CH2O में कार्बन की अणु संख्या क्या है? तो CH2O में कार्बन की अणु संख्या 1 है, क्योंकि इस यौगिक में कार्बन के एक ही अणु भाग लेते हैं। अम्लीय लवण निम्नलिखित में से कौन है? तो अम्लीय लवण H2CO3 है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब ताप कम है। तो सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब ताप कम -273 डिग्री सेल्सियस हो। किसी भी गैस का आयतन -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य हो जाता है और गैस की अणु गति करना बंद कर देते हैं। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध रक्त थक्का जमने से है। विटामिन के कारण रक्त में थक्का जमता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्ट मीटर की सीमा, तो श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ती है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बांस एक प्रकार के उष्णकटिबंधनीय घास है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य की संख्या 12 होती है। इसके लिए कला,
साहित्य, विज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट एवं उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान देने वाले लोगों का मनोनयन राज्यसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हड़प्पा के लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो हड़प्पा के लोगों के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कांसा थी। हड़प्पा के लोग ज्यादातर कांसा का प्रयोग करते थे। सोना सबसे तन्य धातु है, चांदी सबसे सुचालक धातु है। भूपर्पटीय के तुरंत बाद की पृथ्वी की परत को कहते हैं, तो भूपर्पटीय के तुरंत बाद की पृथ्वी की परत को ब्रहा मेटल कहते हैं, जिसे आप एक शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं, भू मै को, भू से भूपटल, मै से मेटल यानी कि आवरण और को से कोर, इसे गुरुमंडल भी कहा जाता है। पहला भूपटल, दूसरा मेटल, तीसरा कोर, या दूसरा ब्रहा मेटल है, यह आंतरिक मेटल है, और यह पहला जो है यह भूपटल है। भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे अधिक ऊंची चोटी है, तो भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे अधिक ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और K2 जम्मू कश्मीर में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। यूरोप और एशिया महाद्वीपों को अलग करने वाला पर्वत है, तो यूरोप और एशिया महाद्वीपों को अलग करने वाला पर्वत यूराल है। यूराल रूस में है। यह पर्वत यूरोप तथा एशिया महाद्वीपों को अलग करता है। दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? तो दीर्घ ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन उठता है। निम्न में से कौन सी रचना हिलेरी मेंटेल की है? तो हिलेरी मेंटेल की रचना ये सभी हैं, विंग्स ऑफ द बॉडीज, वुल्फ हॉल, द मिरर एंड द लाइट, ये सभी हिलेरी मेंटेल की रचना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप इसी तरह के वीडियोस और भी आगे देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर टच जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।